मैडम आप फिर आ गई। मैंने कहा था ना आपसे यहाँ पर मीडिया वालों का आना मना है। मीडिया की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं तो इस अनाथ बच्चे को आश्रम में छोड़ने के लिए आई हूँ। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ सर, दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन बेचारे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ऊपर से बेचारा बेजुबान भी है। हाँ अंकल, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है अंदर लेके जाओ। ठीक है चलो। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ए लल्लू, मैंने तुझे गूंगा बना रहने के लिए बोला था ना, फिर तू बोला क्यों? सॉरी दीदी। हाँ? मतलब उल्लू बनाया। ए मैडम जरा रुको, कहाँ जा रही हो? ओह गॉड, अब क्या होगा, अब तो लगता है अपना प्लान फेल हो जाएगा। ए झूठ बोलती हो है? ये लड़का गूंगा कहा है मैडम, ये तो बात कर रहा है। सॉरी अंकल, मैं बहरा हूँ। हाँ। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोगों का ये नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला, तुरंत निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर, ये ऐसा है कि इसे कभी कभी सुनाई देता है और कभी कभी नहीं देता, कभी कभी ये बोल भी पाता है और कभी बिल्कुल नहीं बोल पाता बेचारा। अरे, मैंने ना जाने कैसी कैसी बीमारियां देखी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बीमारी ना मैंने कभी देखी है ना सुनी है। हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया। तो डॉक्टर भी इसकी बीमारी देखकर कंफ्यूज हो गया और इसीलिए डॉक्टर ने इस बीमारी का नाम कंफ्यूज बीमारी रख दिया। आप चाहो तो इसी से पूछ लो। तेरा नाम क्या है बेटा? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। ठीक है जाओ okay, जाओ। ओके थैंक यू सर, चलो। हाँ, चलो। देख अगर तूने फिर से ऐसा किया ना तो अपने पैसे लेके तुझे वापस भेज दूंगी, समझा? ध्यान से, अंदर बड़े साहब हैं, अच्छी एक्टिंग करनी होगी। क्यों, समझ गया ना? मे आई कम इन सर? या कम इन। आजा सर। मुझसे चाहती क्या है आप? सर इसे आश्रम में भर्ती कराने आई हूँ। ये कहाँ से मिला? रोड पे। कौन सी रोड पे? पीछे वाली रोड पे। मुझसे मजाक कर रही हो? सर आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसे? सर इसे सुनाई नहीं देता, बेचारा बहरा है। दीदी आपने तो पहले गूंगा बोला था, आप बहरा बता रहे हैं। तो चुप कर। अगर ये बहरा है तो फिर तुम्हारी बातों का जवाब कैसे दे रहा है? हर घंटे से कुछ होता है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन दीदी मैं तो अंधा हूँ ना। हाँ सर, सच में इसे दिखाई नहीं देता। बैठो। थैंक यू सर, बैठ जाओ। दीदी वो मदर टेरेसा की फोटो अच्छी है ना? ये फोटो मदर टेरेसा की है, तुम्हें कैसे पता चला? अनाथ आश्रम है तो उनका फोटो तो होगा ही ना सर। हाँ सर। अपना नाम बताओ। महादेव सर। महादेव, कहाँ रहते हो? लालगंज। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है सर। ओह सॉरी। क्या कर रहा है? Hey, अगर तू अंधा है तो तूने स्पेलिंग मिस्टेक कैसे देखी? इस बच्चे को लेके यहाँ तुम ड्रामा करने आई हो? देखो मेरे इंटरव्यू के लिए अगर तुमने ये सब ड्रामा किया है तो भूल जाओ कि वो तुम्हें मिलेगा। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सच है सर, मैंने ड्रामा करके इंटरव्यू लेने का सोचा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इन कामों से कितना सुकून मिलता है। अब आप खुद भी इंटरव्यू देंगे तो भी मैं नहीं लूंगी सर। उस दिन इस आश्रम के लड़कों को देखकर, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और उस कॉन्फिडेंट की वजह आप हैं ये भी पता चला। प्लीज सर, क्या मैं कभी कभी इस आश्रम में आ सकती हूँ? मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज सर मना मत कीजिएगा। प्लीज प्लीज सर। ठीक है आ जाना। थैंक यू सो मच सर, चल चलते हैं। Thank you.
कहाँ से आए हैं, इनका पास्ट क्या है, इनके माता पिता कौन है, आपको पता है? इन सबके माता पिता हैं, ये सब पैदाशी अनाथ नहीं है। अपने माता पिता के रहते हुए भी ये बेचारे अनाथ हैं। ये उनपे बोझ ना बने इसलिए वो इन्हें यहाँ भेज देते हैं। और ये बुजुर्ग यहाँ क्यों हैं? इनका तो परिवार होगा ना? ये भी बिल्कुल उन बच्चों जैसे ही हैं। इनके भी बेटा बहू पोता पोती सब हैं। अगर सच कहूँ तो इनके बच्चे अच्छा बिजनेस भी करते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप बच्चों पे बोझ ना बने इसलिए वो लोग इन्हें भी यहाँ भेज देते हैं। सब पढ़े लिखे गंवार हैं, पर एक बात जरूर कहूंगा, जब वो इस उम्र में आएंगे और उनके भी बच्चे बड़े होंगे तो वो उन्हें भी इसी कस्तूरी निवास के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता, ये सब यहाँ पर एक परिवार की तरह है और ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। ए, परसों मैंने 500 रुपए दिए थे ना? हाँ भाई। वो मैंने काट लिए। ठीक है। हाँ। अरे क्या हुआ भैया? ये पैसे ले लो भैया। पैसे? मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? भैया हमारे माता पिता बहन भाई कोई नहीं है, सब कुछ आप ही हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए ये छोटी सी भेंट ले लो ना भैया। इसे पकड़ो और सुनो, तुम सबसे एक बात कहता हूँ, दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, ऐसा किसी से मत कहना, बल्कि ये कहना कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक परिवार की तरह हैं। आप लोगों ने आज ये जो किया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपका काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी जिद की वजह से मैंने हाँ किया था। भैया हमें सब कुछ आप ही तो दे रहे हैं, तो इन पैसों का हम क्या करेंगे, प्लीज ले लीजिए। ओके ठीक है, अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ गरीब मरीजों की मदद करो। कितने बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने की इच्छा रहती है लेकिन वो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप लोग उन बच्चों की मदद करो। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो उसे सेव करो। सेविंग का मतलब तो आप लोग समझते हो ना? तो आज से बचे पैसे आप सेव करेंगे। इस आश्रम में जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी अनाथ नहीं है। ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ए, कौन है रे तू? नाम क्या है तेरा? बाघा। नाम है मेरा बाघा। क्या चाहिए तेरे को? माल। माल चाहिए अपन को। माल? कौन सा माल? यहाँ कोई माल वाल नहीं मिलता, चल निकल। क्या कहा? नहीं देगी? तुझे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तुझे, और वो भी फ्री में। नहीं तो जबरदस्ती ले लूंगा। कबाब के बीच में हड्डी बनने वाला कौन है ये? तुझे पता तेरी औकात क्या है? दूध से निकाली हुई मक्खी के जितनी। तमीज से बात कर। इसका नाम बाघा है, इसको माल चाहिए कह रहा था, अगर नहीं दिया तो जबरदस्ती लेगा। सुन बाघा, तेरी हिस्ट्री मुझे अच्छी तरह से पता है। खाने के लिए रोटी नहीं थी,
पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तेरे पास। कब्रिस्तान से कफन चुराता था तुझे, तो कब्रिस्तान की कब्र खोदते खोदते अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा ना। मैंने सुना है कि तूने नया धंधा शुरू कर दिया है और इंडिपेंडेंट काम करने लगा है, बहुत फास्ट भाग रहा है तू। तेरी ये स्पीड मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है ये कौन है? तेरी मंगेतर है, तू उससे शादी करने वाली थी। लड़की सिर्फ बिस्तर पर ठीक है, सिर पर नहीं। एक बात याद रखना, इस धंधे में शक की कोई जगह नहीं, फौरन क्लियर कर देना चाहिए, वरना एक शक सब कुछ खत्म कर देता है। मुझे सब पता है, तुम्हारे साथ मिलकर के मुझे खत्म करने का आइडिया इसी ने दिया था ना। बोलो, इसीलिए जान की परवाह किए बिना तू यहां आ गया। ए, मैं जिसको भी चाहता हूं ना, उसे दिल से चाहता हूं, और अगर नफरत करता हूं तो वो भी दिल से। अब बता, तू मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? यस! तू आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलता हूँ। ये लो भैया। अरे आजा भाई, आजा आजा, चलो जल्दी करो। ये रुक रे, रुक रुक, चल कर आराम से आराम से। अरे जाने दे, देख इसमें माल नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ। अच्छे से देख, मेरे सामने खुला पड़ा टिफिन। अच्छा, पूरा खाली है ये। हाँ ठीक है भाई, उठा कर ले। चल रे, चल। कौन कहाँ है मुझे दिखना चाहिए, कोई बात करे तो मेरे कान तक पहुंचनी चाहिए, कोई मिस हो जाए तो मुझे पता चलना चाहिए। इसलिए समुंदर में तैरने से पहले नदी में जाकर तैरना सीखना चाहिए। तेरी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पता कहाँ है वो? मुझे पता नहीं भैया, सच में मुझे नहीं पता। पता नहीं? टिफिन बॉक्स कहाँ रखा था? वो टिफिन बॉक्स भैरव होटल के सामने रखा था भैया, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। भैरव होटल भी मेरा है और वो टिफिन बॉक्स भी। बता किसे दिया? उन्होंने जहां बोला था वहीं दिया भैया। मुझे पता है टिफिन बॉक्स दिया है, पर उसका माल किसे दिया, पता किसे बेचा है? मैंने उसे कभी भी खोलकर नहीं देखा भैया, मैं सच बोल रहा हूँ भैया, मुझ पर विश्वास करो। कहां रखा है उसे? मुझे नहीं पता भैया। नहीं पता? स-
सच में मुझे कुछ नहीं पता भैया। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता भैया, नहीं पता। ये तो चला गया, एक्सीडेंट लगना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, रोड पे ले जाके फेंक दो। हाँ। ले जाओ इसे। सर विक्की और महेश रोज काम से जल्दी आ जाते थे, लेकिन आज वो अभी तक नहीं आए सर। तो फोन करो। फोन किया था सर, स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लो, अगर फिर भी नहीं आए तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। और उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद मुझे भी बताना। ओके सर।